मुश्किल नहीं इस दुनिया में कुछ भी, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब हकीकत में बदलेंगे, तू जरा कोशिश तो कर। तो इस मोटिवेशन के साथ में आज हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है क्लास 7th की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 2। कल वीडियो ना डालने के लिए सॉरी। तो आज हम पार्ट नंबर 2 में पढ़ेंगे। चैप्टर 6 में टॉपिक है फॉरेस्ट। उसमें मेनली जो फॉरेस्ट दिए हुए हैं वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, मेडिटेरियन फॉरेस्ट और मेडिटेरियन वेजिटेशन, एंड लास्ट वन इज कोनिफेरस फॉरेस्ट। तो अब तक हमने 6 चैप्टर में पढ़ा था रोहोडेंड्रन के बारे में, जो कि एक फ्लावर है जो ठंडे एरियाज में मिलता है। नेचुरल वेजिटेशन के हमने 3 टाइप्स पढ़े थे। फर्स्ट वन इज़ फॉरेस्ट, सेकेंड वन इज़ ग्रास लैंड, एंड थर्ड वन इज़ श्रब्स। हमने ये भी पढ़ा था कि सब पोलर रीजन में मिलते हैं हमें कोनिफेरस फॉरेस्ट, ह्यूमिड रीजन में मिलते हैं हमें थिक ट्रॉपिकल हार्डवुड फॉरेस्ट, और डेजर्ट में मिलते हैं हमें थोर्नी बशेस। हमने ये जाना था कि जो नेचुरल वेजिटेशन में चेंजेस हो रहे हैं उसका कारण है क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंजेस, यानी कि हम कह सकते हैं चेंजेस इन नेचुरल वेजिटेशन इज़ ड्यू टू द चेंजेस इन क्लाइमेटिक कंडीशंस। और हमने 2 डू यू नो पढ़े थे, वो थे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन ब्राज़ील आर नोन एज लंग्स ऑफ अर्थ, कि जो ब्राज़ील के अंदर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उन्हें अर्थ का लंग्स कहते हैं, और जो एनाकोंडा है वो अमेजन के रेन फॉरेस्ट में मिलता है। तो आइए हम आज की वीडियो का जो टॉपिक है फॉरेस्ट उसे स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स बिगिन। तो अपना फॉरेस्ट में पहला टॉपिक है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल यानी कि उष्ण कटिबंध। तो उष्ण कटिबंध कौन सा एरिया आ गया, तो हम देखते हैं कि ये हमारी अर्थ है। दिस इज़ 0 डिग्री, जिसे कि हम इक्वेटर कहते हैं। ये है 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ये है 23.5 डिग्री साउथ, जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। तो ये जो बीच वाला एरिया है ये है ट्रॉपिकल रीजन, यानी कि दोनों ट्रॉपिक्स और इक्वेटर के पास वाला जो एरिया है वो आता है ट्रॉपिकल रीजन्स में। आगे हम पढ़ते हैं, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, कि इन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि ऑप्शन में अगर ट्रॉपिकल एवरग्रीन ना आकर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आए तो हमें पता होना चाहिए कि दोनों एक ही बात है। दीज थिक फॉरेस्ट अकर इन द रीजन्स नियर द इक्वेटर एंड क्लोज ट्रॉपिक्स, जैसे मैंने अभी इस डायग्राम में बताया कि इस रीजन को ट्रॉपिकल रीजन कहते हैं, जो कि क्या है, इन दोनों ट्रॉपिक्स यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के पास में है और इक्वेटर के पास में है। तो इस रीजन को ट्रॉपिकल कहा जा रहा है, यही इस लाइन में बात बताई गई है। दीज रीजन्स आर हॉट एंड रिसीव हैवी रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर, कि ये जो रीजन था ट्रॉपिकल रीजन, यहाँ पर वर्ष भर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है और बारिश भी होती है। गर्मी रहने का कारण है कि यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं, और जो पोलर रीजन है वो ठंडे होते हैं क्योंकि वहाँ पे जो सूरज की किरणें हैं वो तिरछी पड़ती है। एज देयर इज़ नो पर्टिकुलर ड्राई रीजन द ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीव्स ऑल टुगेदर, अब यहाँ पर कोई पर्टिकुलरली ड्राई रीजन नहीं होता, इसलिए जो पेड़ होते हैं उन्हें अपनी पत्तियाँ झाड़ना नहीं पड़ता। पत्तियाँ क्यों झाड़ते हैं, ताकि वो पानी को बचा सके। अब यहाँ पर ड्राई सीजन नहीं आ रहा कोई पर्टिकुलरली, तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है उन्हें अपनी पत्तियाँ झाड़नी नहीं पड़ रही, इकट्ठी नहीं झाड़ रही। दिस इज़ द रीज़न वाई दे आर कॉल्ड एवरग्रीन, और यही कारण है कि उन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट कहा जाता है, कि वो ऐसा कभी नहीं होता कि वो पूरे सूखे हों। हाँ, एक वो अपने पत्ते झाड़ते हैं पर सारे इकट्ठे नहीं झाड़ते। द थिक कैनोपीज ऑफ द क्लोजली स्पेस्ड ट्रीज डो नॉट अलाउ द सनलाइट टू पेनिट्रेट इन साइड द फॉरेस्ट इवन इन द डे टाइम। अब यहाँ पर जो पेड़ होते हैं ना वो इस तरीके से होते हैं कि एक पेड़ यहाँ, दूसरा पेड़ आया वो इस तरीके से, तीसरा इस तरीके से, मतलब ये आपस में इनके जो तने होते हैं वो आपस में यूँ जुड़े हुए होते हैं इस तरीके से कि वो एक रूफ लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, कि जिससे जो सूरज की किरणें हैं वो ग्राउंड पर नहीं आ पाती पूरी तरह से। फिर आगे दिया हुआ है, हार्डवुड ट्रीज लाइक रोजवुड, इबोनी, महोगनी आर कॉमन हेयर, यहाँ पे जो ट्रीज़ मिलते हैं वो किस टाइप के होते हैं, हार्डवुड ट्रीज़। जनरली ट्रीज़ जो हैं वो 2 टाइप में बंटे होते हैं, हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड में। तो जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमें ट्रीज़ मिलते हैं वो हार्डवुड ट्रीज़, और इनके एग्जाम्पल है रोजवुड, इबोनी और महोगनी। तो एक बार फास्ट फास्ट हम पढ़ते हैं कि हमने ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या पढ़ा। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं हिंदी में। यहाँ पर हार्डवुड ट्रीज़ मिलते हैं जैसे कि रोजवुड, इबोनी, महोगनी। और हार्डवुड ट्रीज़, इन ट्रीज़ के अंदर क्या है, पानी ज़्यादा होता है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं ये, इसलिए इनमें
पानी ज़्यादा होता है, तो ये जो पेड़ हैं ये इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल नहीं है। इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल कैसे नहीं है, क्योंकि इन पेड़ों की हेल्प से, इनकी लकड़ियों की हेल्प से हम कोई गेट या फर्नीचर या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का काम नहीं कर सकते, लेकिन ये इकोसिस्टम के लिए प्रॉफिटेबल है। क्यों है प्रॉफिटेबल? क्योंकि ये जो पेड़ हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के, ये पेड़ों में सबसे ज़्यादा CO2 को कैप्चर करते हैं। वैसे अगर ओवरऑल वेजिटेशन में देखा जाए तो जो एल्गी है वो सबसे ज़्यादा CO2 कैप्चर करते हैं, लेकिन सिर्फ पेड़ों में देखें तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा CO2 कैप्चर करते हैं, तो ये इकोसिस्टम के लिए प्रॉफिटेबल है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, या फिर बोले हम उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन। पर्णपाती यानी कि जो अपने पत्ते झाड़ते हैं, पत्ते गिरते हैं टाइम टू टाइम। ट्रॉपिकल डेसिडियस आर द मॉनसून फॉरेस्ट फाउंड इन द लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया एंड इन सेंट्रल अमेरिका। कि जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है उन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं, जिस तरीके से ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहा जा रहा था। और ये कहाँ पर मिल रहे हैं? इंडिया में, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया में और सेंट्रल अमेरिका में। दीज रीजन्स एक्सपीरियंस सीजनल चेंजेस, यहाँ पर सीजनल चेंजेस होते रहते हैं। दी ट्रीज शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन टू कंजर्व वाटर। कि जो ट्रीज़ हैं वो ड्राई सीजन में, जब सूखा होता है, बारिश नहीं होती है प्रॉपर सफिशिएंट मात्रा में, तो ये जो पेड़ होते हैं वो अपने पत्तियाँ झाड़ देते हैं। किस लिए? ताकि वो पानी को बचा सकें, पानी को कंजर्व कर सकें। द हार्डवुड ट्रीज फाउंड इन दीज फॉरेस्ट आर साल, टीक, नीम, शीशम। कि जैसा कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में हमने पढ़ा था कि वहाँ पर हार्डवुड ट्रीज मिलते थे, किस टाइप की? रोजवुड, इबोनी, महोगनी। उसी तरह से ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में भी हार्डवुड ट्रीज मिल रहे हैं, लेकिन किस टाइप के? साल, टीक, नीम, शीशम टाइप के, जो कि हम जनरली नेम इंडिया में सुन पाते हैं। हार्डवुड ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर मेकिंग फर्नीचर। इनके, ये जो ट्रीज हैं, इनके लकड़ी की हेल्प से हम फर्नीचर में बनाने में काम ले सकते हैं, तो ये इकोनॉमिकली हमारे लिए प्रॉफिटेबल हुए। टाइगर्स, लायंस, एलिफेंट्स, लंगूर्स एंड मंकीज आर द कॉमन एनिमल्स ऑफ दिस रीजन। इस रीजन में कॉमन एनिमल्स कौन से हैं? टाइगर, लायन, एलिफेंट और लंगूर, ये कॉमन एनिमल्स हैं। तो अभी हम इस ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट को एक बार फिर से फास्टली रिव्यू करते हैं कि इसे उष्णकटिबंधीय पर्णपाती या पतझड़ वन भी कहते हैं, ये मॉनसून फॉरेस्ट भी कहलाते हैं। और अगर पूछे कि वाई द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स, तो उसका आंसर होगा टू कंजर्व वाटर इन द ड्राई सीजन। ये जो पेड़ हैं, जो कि है हार्डवुड ट्रीज, ये इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है क्योंकि फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट और कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने में काम आते हैं। तो जो अगला टॉपिक है वो है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। टेम्परेट यानी कि शीतोष्ण। तो अभी शीतोष्ण हम जानते हैं शीतोष्ण क्या है। सॉरी, दिस इज आर अर्थ, 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर, 23.5 डिग्री यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 23.5 डिग्री साउथ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, हेयर इट इज 66.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि आर्कटिक सर्कल एंड 66.5 डिग्री साउथ यानी कि अंटार्कटिक सर्कल। तो अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन और अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाला जो रीजन है ना, ये टेम्परेट रीजन है, इसे शीतोष्ण एरिया कहते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है? द टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट आर लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। कि ये जो मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन है, अभी अपनों ने डायग्राम में देखा तो ये मिड लैटिट्यूडनल ही होगे ना, ये तो होगी सेंट्रल और ये मिड लैटिट्यूडनल होगी, कि ना तो ये अपर है ना ये सेंट्रल है, तो ये मिड लैटिट्यूडनल रीजन हो गया। तो ये कहाँ पे मिल रहे हैं? लोकेटेड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन। दे आर कॉमनली फाउंड अलोंग द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट। ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट, जैसे कि अगर ये कोई कॉन्टिनेंट है तो इसका जो ईस्टर्न मार्जिन है वो ये होगा, ये वाला एरिया। तो यहाँ पर ये फॉरेस्ट मिलेंगे। इसका एग्जांपल क्या दिया है? इन द साउथ ईस्ट USA, USA के साउथ ईस्ट में, साउथ चाइना एंड इन साउथ ईस्ट ब्राज़ील, दे कंप्राइज बोथ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड ट्रीज। कि जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में सिर्फ हार्डवुड ट्रीज मिल रहे थे, वहीं टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड दोनों टाइप के ट्रीज मिल रहे हैं। और ट्रीज के एग्जांपल है ओक, पाइन एंड यूकेलिप्टस। पाइन यानी कि चीड़, यूकेलिप्टस यानी कि सफेदा। तो हम ट्रॉपिकल टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट को एक बार फास्टली रिव्यू करते हैं कि यहाँ पर कहाँ मिलते हैं। मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन में, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स के अंदर। एग्जाम्पल है साउथ ईस्ट USA, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील। यहाँ पे किस टाइप के ट्रीज मिल रहे हैं? बोथ हार्डवुड एंड सॉफ्टवुड। और एग्जाम्पल क्या हैं ट्रीज के? ओक, पाइन एंड यूकेलिप्टस। तो अभी हमारा अगला पार्ट है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट।
टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट यानी कि शीतोष्ण पर्णपाती या फिर पतझड़ वन। एज वी गो टुवर्ड्स हायर लेटिट्यूड्स देयर आर मोर टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, कि जैसे जैसे हम हायर लेटिट्यूड्स पे जाते हैं। ये तो कैसे थे सेंट्रल लेटिट्यूड्स, ये थे मिड सेंट्रल लेटिट्यूड्स। अब इससे भी ऊपर अगर हम जाएंगे ना तो वो कौन से होंगे, हायर लेटिट्यूड्स, यानी कि नॉर्थ में तो ऊपर जाएंगे और साउथ में से नीचे जाएंगे तो वो होंगे हायर लेटिट्यूड्स। तो जो हायर लेटिट्यूड्स में मिलते हैं वो हैं टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। दीज आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ USA, चाइना, न्यूजीलैंड, चील, एंड ऑल्सो फाउंड इन द कोस्टल रीजन्स ऑफ वेस्टर्न यूरोप। और दे शेड देयर लीव्स इन द ड्राई सीजन, उसी तरीके से जैसे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी ड्राई सीजन में अपने पत्ते झाड़ रहे थे टू कंजर्व वाटर, उसी तरीके से टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट अपने पत्ते झाड़ रहे हैं ड्राई सीजन में टू कंजर्व वाटर। द कॉमन ट्रीज आर ओक, एश, बीच एटसेट्रा, कि यहाँ पे जो ट्रीज मिल रहे हैं वो उनके एग्जाम्पल क्या है, ओक, एश एंड बीच। डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स आर द एनिमल्स कॉमनली फाउंड, और यहाँ पे किस टाइप के एनिमल्स जनरली मिल रहे हैं, डियर, फॉक्सेस एंड वुल्व्स। और दो बर्ड हैं यहाँ पर, फीजेंट एंड मोनाल, ये इंपॉर्टेंट बर्ड्स हैं, इनके बारे में पूछा जाता है कि मोनाल या फिर फीजेंट का नाम आ जाता है कि किस टाइप के फॉरेस्ट में मिलते हैं, तो उसका आंसर होगा टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में। तो इनका इमेज NCERT में दिया हुआ है, दिस इज फीजेंट एंड दिस इज मोनाल। तो ये दो बर्ड्स हैं जो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में मिल रहे हैं। तो अगला जो हमारा टॉपिक, तो अभी हम इसे पहले फास्ट फास्ट रिव्यू कर लेते हैं। टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट में हमने क्या पढ़ा था कि इसे हम बोलते हैं शीतोष्ण पतझड़ या पर्णपाती वन। यहाँ पे मेन बात है कि फीजेंट एंड मोनाल बर्ड्स मिल रहे हैं, हाइयर लेटिट्यूड्स के अंदर हैं, किन एरियाज में मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ USA, चाइना, न्यूजीलैंड, चील, और कोस्टल रीजन्स है वेस्टर्न यूरोप के। वहाँ पर यहाँ पे जो ट्रीज मिल रहे हैं वो है ओक, एश एंड बीच। जो एनिमल मिल रहे हैं वो है डियर, फॉक्स, वुल्व्स। ओके, तो अब अगला टॉपिक है मेडिटेरियन वेजिटेशन, यानी कि भूमध्य सागरीय वनस्पति। तो यू हैव लर्न द मोस्ट ऑफ द ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट आर कवर्ड बाय टेम्परेट एवरग्रीन एंड डेंसिटीज फॉरेस्ट, कि हमने पढ़ा कि जो ईस्ट या फिर जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है कंटिनेंट्स का वो किससे कवर्ड है, टेम्परेट एवरग्रीन या फिर टेम्परेट डेंसिटीज फॉरेस्ट से। द वेस्ट एंड साउथ वेस्ट मार्जिन ऑफ द कंटिनेंट आर डिफरेंट, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में तो क्या है, टेम्परेट टाइप के ट्रीज हैं, टेम्परेट में या तो एवरग्रीन है या डेसिडियस है, वहीं वेस्ट एंड साउथ वेस्ट में अलग टाइप के हैं। दे हैव मेडिटेरियन वेजिटेशन, वहाँ पे क्या है, मेडिटेरियन वेजिटेशन है। मेडिटेरियन सी एक सी है, भूमध्य सागर, जो कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में से आता है। इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द एरियाज अराउंड द मेडिटेरियन सी इन द यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया, बात आ गई, हैंस द नेम। दिस काइंड ऑफ वेजिटेशन इज ऑल्सो फाउंड आउटसाइड द एक्चुअल मेडिटेरियन रीजन, कि इस अभी मेडिटेरियन सी में जिस टाइप के वनस्पति मिल रहे हैं, जिस टाइप का वेजिटेशन मिल रहा है, उस टाइप का वेजिटेशन अगर मेडिटेरियन सी के रीजन के अलावा भी कहीं और मिल रहा है तो उसे भी मेडिटेरियन वेजिटेशन में काउंट किया गया है। तो जो एक्चुअल रीजन के आउटसाइड है उनका एग्जाम्पल है कैलिफोर्निया एंड USA, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। ऑलराइट, तो यहाँ पे दो पॉइंट दिए गए हैं कि मेडिटेरियन ट्रीज अडेप्ट देमसेल्फ टू सम इन टू ड्राई समर्स विद द हेल्प ऑफ देयर थिक बार्क्स एंड वैक्स कोटेड लीव्स विच हेल्प देम रिड्यूस ट्रांसपिरेशन, कि मेडिटेरियन ट्रीज जो हैं वो ड्राई समर में सर्वाइव कैसे करते हैं, क्योंकि जो उनकी बार्क्स होती हैं वो थिक होती है और जो लीव्स होती है ना उन पर वैक्स का कोटिंग होता है, वैक्स का कोटिंग होता है जिससे ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस में कमी आ जाती है। ट्रांसपिरेशन क्या है कि जिसके थ्रू लीव्स में पोर्स होते हैं जिसके कारण सनलाइट में जो पानी है प्लांट का वो निकलता है प्लांट से बाहर। और दूसरी मेन बात आई है कि मेडिटेरियन रीजन को क्या कहा जा रहा है, ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड्स, वर्ल्ड का ऑर्किड कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है, फॉर द फूड कल्टिवेशन, यहाँ पे फ्रूट कल्टिवेशन होता है इसलिए मेडिटेरियन रीजन को ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है। दीज रीजन्स आर मार्क्ड फॉर हॉट ड्राई समर्स एंड मिल्ड रेनी विंटर्स, कि जो मेडिटेरियन रीजन है या जो मेडिटेरियन वेजिटेशन है इस रीजन को किस तरीके से मार्क किया जाता है, कि यहाँ पे जो समर होती है वो गर्म और सूखी होती है और जो विंटर्स होती है वो हल्की हल्की बारिश वाली होती है, यानी कि हॉट ड्राई समर्स एंड मिल्ड रेनी विंटर्स। सिट्रस फ्रूट सच एज ऑरेंजेस, फिक्स, ऑलिव्स एंड ग्रेप्स आर कॉमनली कल्टिवेटेड हेयर बिकॉज पीपल हैव रिमूव द नेचुरल वेजिटेशन इन ऑर्डर टू कल्टिवेट वट दे वॉन्ट टू, कि यहाँ पर सिट्रस फ्रूट यानी कि जो नींबू वंश के हैं, जो थोड़े खट्टे टाइप के फ्रूट्स होते हैं, ये जैसे कि ऑरेंजेस, ऑलिव्स, फिक्स, ग्रेप्स, ये थोड़े खट्टे टाइप के प्लांट्स में फ्रूट्स में आते हैं, तो उस टाइप के फ्रूट्स हमें मिलते हैं कहाँ पे, मेडिटेरियन वेजिटेशन में।
यहाँ के जो निवासी लोग हैं ना, उन्होंने यहाँ पे जो नेचुरल वेजिटेशन पहले मिलती थी उसको रिमूव करके सिट्रस फ्रूट का कल्टीवेशन स्टार्ट कर दिया। देयर इजंट मच वाइल्ड लाइफ हेयर, यहाँ पे ज़्यादा वाइल्ड लाइफ नहीं है, तो मेडिटेरियन वेजिटेशन को हम फास्ट फास्ट करते हैं कि किन एरियाज में मिल रहा है। मेडिटेरियन सी वाले रीजन में मिल रहा है मोस्टली, जैसे कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया के बीच में है। और एक्चुअल रीजन के जो आउटसाइड है थी, जैसे कि कैलिफोर्निया इन यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका, साउथ वेस्टर्न साउथ अमेरिका एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे भी मिल रहा है। ये हॉट ड्राई समर्स और मिल रहे विंटर्स है। यहाँ पे सिट्रस फ्रूट मिल रहे हैं, उनके एग्जाम्पल है ऑरेंजेस, फिग्स एंड ओलिव्स। यहाँ पे जो मेडिटेरियन ट्रीज है वो ड्राई समर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि उनके बार्क्स जो होते हैं वो थिक होती हैं और जो उनकी लीव्स होती हैं वो वैक्स कोटेड होती है, जिससे कि जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस है उसमें रिडक्शन हो जाता है। और जो मेडिटेरियन रीजन है उसे कहा जाता है ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड, क्यों कहा जाता है, वहाँ पे फ्रूट की कल्टिवेशन के कारण। तो आज का जो लास्ट टॉपिक है वो है कॉनीफेरस फॉरेस्ट, यानी कि शंकुधारी वन। शंकुधारी वन, जैसे कि नाम से हम जानते हैं कि वो शंकु यानी कि कोन की तरह होगा, कॉनिफेरस में भी कोन नाम आ रहा है। कोन कोन कैसा होता है, इस टाइप का होता है ना, तो जो पेड़ होता है उसका ऊपर वाला टाइप इस टाइप में ही होता है। ऑल राइट, इन द हायर लैटिट्यूड्स यानी कि 50 to 70 degrees ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, द स्पेक्टेक्यूलर कॉनिफेरस फॉरेस्ट आर फाउंड। कि जो 50 to 70 degrees नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर रीजन है वहाँ पर कॉनिफेरस फॉरेस्ट मिलते हैं। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड टैगा, टैगा भी कहा जाता है। यहाँ पे डू यू नो में दिया गया है कि टैगा मीनिंग है प्योर और अनटच्ड। टैगा का मीनिंग है कि शुद्ध या फिर जिसे छुआ ना गया हो, और टैगा जो शब्द है वो एक रशियन शब्द है। ऑल राइट, दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो सीन इन द हायर एल्टीट्यूड्स। हायर एल्टीट्यूड्स में भी कॉनी फॉरेस्ट ट्रीज पाए गए हैं। दीज आर द ट्रीज विद सलीमा फाउंड इन द हिमालयाज इन द अबंडेंस। हमने चैप्टर की बिगनिंग में पढ़ा था कि सलीमा है वो स्कूल टूर जाती है हिमालय मनाली के अंदर, वहाँ पर वो कॉनिफरस ट्रीज बात देखती है। तो ये उन्हीं कॉनिफरस ट्रीज की बात हो रही है। दे आर टॉल सॉफ्ट वुड एवरग्रीन ट्रीज। कि ये जो कॉनिफरस फॉरेस्ट के में जो ट्रीज मिलते हैं वो कैसे होते हैं, टॉल यानी कि लंबे होते हैं और सॉफ्ट वुड होते हैं और एवरग्रीन ट्रीज हैं। ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन और ट्रॉपिकल डेसिडीज में हमें मिले थे हार्डवुड के, टेम्परेट एवरग्रीन में हमें मिला था सॉफ्टवुड एंड हार्डवुड बहुत मिले थे। तो अभी हमें कॉनिफरस में कैसे मिल रहे हैं, सॉफ्टवुड एंड टॉल मिल रहे हैं। द वुड्स ऑफ दीज ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर मेकिंग पल्प। कि जो कॉनिफरस ट्रीज हैं वहाँ पे जो वुड जैसी वुड है उस वुड का यूज़ होता है किसमें, पल्प बनाने में। और जो पल्प है वो आगे किसके मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है, पेपर के या फिर जो न्यूज़ प्रिंट है उसके मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस आर ऑल्सो मेड फ्रॉम सॉफ्टवुड। की माचिस की डिब्बियाँ या फिर जो पैकिंग बॉक्सेस होते हैं जैसे कि कार्टून वगैरह, वो सभी भी इस कॉनिफरस फॉरेस्ट के अंदर जो ट्रीज हैं उनकी हेल्प से ही बनता है। चीर, पाइन, केडार आर द इम्पोर्टेंट वराइटी ऑफ ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट। कि जो चीड़, देवदार और जो केडार के पेड़ हैं वो यहाँ पे मोस्टली पाए जाने वाले हैं। और यहाँ पे एनिमल कौन से मिलते हैं, सिल्वर व फॉक्स, मिंक या फिर पोलर बेर यानी कि रजत लोमड़ी, मिंक और पोलर बेर यहाँ पे मिलते हैं। कॉनिफॉरेस्ट फॉरेस्ट को हम एक बार फास्ट फास्ट रिव्यू करते हैं कि इन्हें टैगा भी कहते हैं। टैगा एक रशियन वर्ड है जिसका मीनिंग है प्योर या फिर अनटच्ड। 50 to 70 degrees नॉर्दर्न लेटिट्यूड में मिलते हैं। हायर लेटिट्यूड में भी मिलते हैं। टॉल एंड सॉफ्टवुड ट्रीज हैं ये। टॉल एंड सॉफ्टवुड ट्रीज के एग्जाम्पल क्या हैं, चीड़, पाइन, केडार। इन ट्रीज़ का यूज़ क्या है, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल है ये, कैसे कि इनकी हेल्प से पल्प बनता है और इस पल्प की हेल्प से पेपर एंड न्यूज़प्रिंट बनते हैं, मैच बॉक्सेस एंड पैकिंग बॉक्सेस भी बनते हैं। तो आज की क्लास का जो मेन सार निकलता है वो क्या निकलता है, कि हमने देखा कि हमने इनको बांटा ट्रॉपिकल में, टेम्परेट में, कॉनिफोरेस में और मेडिटेरियन वेजिटेशन में। तो जो हमने पढ़ा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को भी दो पार्ट में बांटा गया है। एक है एवरग्रीन यानी कि सदाबहार, क्योंकि उनमें या फिर रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, अच्छे से बारिश हो रही है। और दूसरा है डेसिडियस, क्योंकि उनमें ड्राई सीजन भी आ रहा है। फिर हमने पढ़ा टेम्परेट, टेम्परेट को भी दो पार्ट में बांटा, एवरग्रीन एंड डेसिडियस में। तो चैप्टर इससे भी फॉरेस्ट में हमने पढ़ा था कि दो बर्ड्स हैं, फीजेंट एंड मोनाल। तो अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि फीजन एंड मोनाल किस टाइप के फॉरेस्ट में मिलते हैं। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपके कोई व्यूज़ हैं या फिर कुछ भी बात है
जो या फिर अगला कोई आप टॉपिक चाहते हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में डालिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर टुडे।